यस वन, इस फिल्म को नॉर्थ इंडिया में कुछ खास रिस्पांस नहीं मिला था। लास्ट टाइम मेकर्स थोड़ा चूक गए थे फिल्म की एडवर्टाइजिंग करने में। लेकिन क्या आप जानते हो कि इस फिल्म ने कितनी कलेक्शन की है? शायद आप विश्वास नहीं करोगे, पूरे 500 करोड़ वर्ल्ड वाइड। और अब पार्ट 2 आया है साथ में रिकॉर्ड बनाने। लेकिन क्या मास्टरपीस या सुपर डुपर फ्लॉप, जवाब अभी मिल जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। मेरे चैनल न्यू है तो प्लीज थोड़ा सपोर्ट करें। दो चीज जो पहले जान लो, पहला ये कि ये फिल्म सभी लोगों के लिए नहीं है। तड़का और मसाला वाली मूवी सोच रहे हो तो थिएटर मत जाना, क्योंकि मूवी हिस्ट्रिकल पॉलिटिकल ड्रामा है और रियल लाइफ में मसाला नहीं होता है। कि पार्ट 2 को समझने के लिए पार्ट 1 देख लेना। कहानी हिस्ट्री की राजनीति की है, चोल साम्राज्य पर खतरा मंडरा रहा है और ऐसे में जनता को चाहिए सेफ्टी, और ऐसे में राजा की ड्यूटी है कि वो अपनी प्रजा की रक्षा करे, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। लेकिन यहाँ राजा खुद अपने अतीत से परेशान है, एक लव स्टोरी जो एक नफरत में बदल गई, और अब टाइम है करो या मरो का। पर इस पूरी कहानी में ट्विस्ट क्या है आप जानते हैं? इस मूवी में सभी के दो चेहरे हैं, जैसे हाथी के दांत दिखाने के अलग और खाने के अलग, जिसे वो दुनिया से छुपा कर रखते हैं। सस्पेंस, थ्रिल और ट्विस्ट, तीनों चीजें भर भर के मिलेंगे इस मूवी में। पोन्नियिन सेल्वम कम्प्लीट स्टोरी बेस्ड फिल्म है, इसके कहानी में दम है, जो समझ पाए उसके लिए देव नहीं तो पत्थर है। लास्ट टाइम इस मूवी को बाहुबली और बाकी के मूवी से कंपेयर करके इसकी बेइज्जती कर रहे थे। मैं बता दूं, हर मूवी की स्टोरी और थीम अलग होती है। ऐसा नहीं है कि मूवी राजवाड़ों वाली हो तो आप किसी एक हिट मूवी से कंपेयर करने लगे। मैं बता दूं, बाहुबली एक मास फिल्म थी, इसमें कहानी पर नहीं कहानी में मसाला पर फोकस किया गया था, जो कि बहुत ही अच्छा था। पर हर मूवी एक टाइप की बनने लगी तो सबसे पहले आप लोग ही बोर हो जाएंगे। तो पोन्नियिन सेल्वन मूवी है, इसमें हिस्ट्री की रियल स्टोरी पर फोकस किया गया है और रियल लाइफ में मसाला नहीं होता। जो इस मूवी को अच्छे से समझकर इससे कनेक्ट हो जाएगा उसके लिए ये गोल्ड है, वरना बाकियों के लिए सिर्फ ओल्ड है। फिल्म की सबसे अच्छी बात यह है कि नेचुरल और रियल लोकेशन पर ज़्यादा फोकस किया गया है, ना कि VFX और स्पेशल इफेक्ट के सहारे बैठे हैं। VFX और स्पेशल इफेक्ट के भरोसे बैठने से आदि पुरुष की क्या हाल हुई थी सही है। मूवी की स्टोरी इतनी अच्छी सेट की गई है, हिस्ट्री अपने आंखों से देख रहे हैं ऐसा फील होता है। बड़ा कारण यह है कि फिल्म में जितने भी एक्टर्स हैं, वो लीड हो या छोटे रोल में हो, सभी को इस तरह से यूज किया गया है, हिस्ट्री आंखों के सामने आ जाती है। इस वन में शिकायत थी लोगों की स्टोरी फास्ट थी और कैरेक्टर बहुत सारी और ये कन्फ्यूज करता है, और मुझे भी ऐसा ही लगता है। पर रुको, इस बार कहानी सिंपल है, जो आपको स्टार्टिंग से एंडिंग तक सब कुछ समझ आएगा। अगर PS1 देखे, ये कोई दो दिन की कहानी नहीं है जो आसानी से दिखा दिया, पूरी हिस्ट्री है। और इतनी बड़ी हिस्ट्री को एक मूवी में दिखा देना असंभव है, पर इसे सच किया है इस फिल्म के डायरेक्टर हनी रत्नम सर ने। तारीफ तो बनती है इनकी, बाकी के जो बचे कसर थे वो एक्ट्रेस ने पूरा कर दिया। एक्ट्रेस ने अपने रोल को इस पर करना मुश्किल है, फिल्म है या सच। विक्रम, ऐश्वर्या राय और कार्थी ने तो आग ही लगाई है पूरी फिल्म में। फिल्म देख के इनकी रियल लाइफ भूल जाओगे। अब बात कर लेते हैं इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट की। सबसे पहले पॉजिटिव पॉइंट, वन, स्टोरी मस्त है पूरी डिटेलिंग के साथ, पर हर किसी के लिए नहीं है। नंबर 2, चोल अंपायर को अगर लाइव देखना हो तो ये उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। नंबर 3, कास्टिंग इतनी जबरदस्त किया है कि कोई भी गलती आप ढूंढ नहीं पाओगे। नंबर 4, इसकी सिनेमेटिक इफेक्ट और कलर ग्रेडिंग कमाल के हैं। बात कर लेते हैं नेगेटिव पॉइंट की, जो कि एक ही है, एक्शन सीन। मानता हूँ कि ड्रामा मूव पर एक्शन तो जबरदस्त चाहिए था, फिल्म पूरी फिल्म में ना सही, पर एंड में एक अच्छी एक्शन की उम्मीद थी, जो कि फटाफट निपटा दिया गया, जैसे इन्हें कहीं जाने के लिए देर हो रही हो। जो लोग हिस्ट्री को पसंद करते हैं या जिन्हें हिस्ट्री पता है, उन्हें तो ये मूवी बहुत ही पसंद आने वाली है, पर सिर्फ फिल्म देखने वालों को ज्यादा मजा नहीं आएगा। बाहुबली मूवी जैसा सोच कर मत जाना, वरना निराशा हाथ लगेगी। पॉलिटिक्स के दाव पेच और ट्विस्ट पसंद है तो ये फिल्म आपके लिए है। बाकी वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो या फिर शिकायत करनी हो तो कमेंट करके बताएं। और अब तक वीडियो देख रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।